अच्छा यार, पाकिस्तान की सियासत आजकल बड़ी गर्म है और इस गर्म सियासत में पिछले एक दो दिन के दौरान दिलचस्प और अहम वाकयात भी पेश आए हैं। एक वाकया तो आपने सुना होगा, उसके वीडियो क्लिप भी देखी होगी कि शीरी मजारी साहबा की गाड़ी को गवर्नर केपी झगड़ा साहब की गाड़ी में शामिल, मतलब उनके स्क्वाड में शामिल एक गाड़ी ने टक्कर मार दी है, जिसके बाद शीरी मजारी गवर्नर झगड़ा साहब पर चढ़ दौड़ी है। वो तो देखो, अच्छा अच्छा, इसलिए आप आई हुई है? हाँ। नहीं तो और मैं यहाँ एक्सरे करवाने आई हूँ। अल्लाह खैर करे, यहाँ भी आपने उसी गेर से गुफ्तगू शुरू की है जिस गेर में आप झगड़ा साहब के साथ बोली है, वो मैंने क्लिप देखा है। अच्छा, आप तो जाते शुरू ही हो गई उनकी बेइज्जती करने। नहीं, आप मेरी रिकॉर्डिंग उठा के देख ले, मैंने सबसे पहले जाके कहा एक्सक्यूज मी। वैसे एक्सक्यूज मी भी आपने ऐसे ही कहा है जैसे पंजाबी में कोई वड्डी गाली नहीं निकालते। नहीं, मुझे ये बताए कि हमने जो वीडियो क्लिप देखी है उसमें तो आपके कोई पट्टी शट्टी नहीं है, यहाँ पे आपने पूरा ये तो आपने बाजू बांधा हुआ और खून भी शायद निकला। वीडियो पहले बन चुकी थी और खून बाद में निकला है। बहुत अच्छे, ये खून पैदल आ रहा था जी जो इतना लेट निकला है। ये क्या मामला है, ये इसको आप सियासी इशू बनाना चाह रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप शीरी मजारी साहब है, इनको मेन होने का शौक है। इनको ये शौक है कि जहाँ पे मैं जाऊँ मेरी तरफ ध्यान पड़े। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, ये तो किसी विवाह पे जाती है ना, किसी मेहंदी पे जाती है तो भावे लेट जाए, जाके कह देती है बस पीछे हट जाए, ढोलकी पे मैं बैठूंगी। अच्छा। और शुरू शुरू में तो इनको ढोलकी बजानी भी नहीं थी आती, जाके ढोलकी के ऊपर बैठ जाती। वो फिर घर वाले कहते थे कि जी उठ के कुर्सी ते बवो सी इनू बजाना जी। और ये गवर्नर झगड़ा साहब से झगड़ा भी इन्होंने सिर्फ एक इशू खड़ा करने के लिए, खबर में आने के लिए मेरा ख्याल है। एक्सक्यूज मी, ये देखें, ये भी एक्सक्यूज मी आपने ऐसे ही कहा, टूट पैने। मुझे कोई शौक नहीं है खबर में आने का। अच्छा जी। ये मैंने वीआईपी कल्चर के खिलाफ आवाज उठाई है। इंसान को इंसान ही नहीं समझते, नहीं ते आवाज उठा रहे सोते बच्ची ये आवाज। अच्छा मेरी बात तो सुनो यार, दूसरा अहम वाक्या जो दो दिन पहले पेश आया है, नून लीग के निहाल हाशमी साहब ने जो धमाका किया है, आज हमने निहाल हाशमी साहब को भी दावत दी हुई है। वो नहीं आए, वो किधर हैं? बस आते ही होंगे, अभी पहुंचे नहीं है। ओ भाई मैं आया हूँ, खुदा के लिए कैमरे बंद करवाए। कैमरे बंद करवाए, कैमरे बंद करा दिए तो आपको यहाँ पे जाला उतारने के लिए बुलाया। वैसे लगते आप जाला उतारने वाले ही हैं। नून लीग के बहुत सीनियर पॉलिटिशियन तशरीफ प्यारे हमारे लिए भी बहुत, मगर जिस तरह की इन्होंने गुफ्तगू की है ना, वो जाले उतारने वाले ही ऐसे। ये क्या गुफ्तगू कर दी आपने? वो गुफ्तगू मैंने की नहीं जो समझ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, इन्होंने तो गुफ्तगू शहरी में ज्यादा खाने के नुकसान पे की थी और हम लोग JIT पे समझ रहे हैं। साहब हमने सबने क्लिप देखा है जिसमें आप सीधा सीधा JIT या अदलिया को धमकियां दे रहे हैं, आप कह रहे हैं हिसाब मांगने वालों को हिसाब देना होगा। उजनेश साहब, सारी गलतफहमी यहीं से पैदा हुई है। अच्छा। मैंने हिसाब मांगने वाले JIT से नहीं कहा। और किसको कहा है? JIT हिसाब मांग रही है, और कौन मांग रहा है हिसाब आपसे? मैं तो अपने दूध वाले की बात कर रहा था। मैं तो वो अखबार वाले की बात कर रहा था। मैं अपने माली की बात कर रहा था कि तुम 28 तारीख से पहले ही तुम हिसाब मांगने लगे हो। क्या मतलब यार? मैंने कह दिया सबको कि पहले से पहले किसने हिसाब मांगा तो मैं तुम पर जमीन तंग कर दूंगा। हाशमी साहब, ये सारा आप झूठ बोल रहे हैं। ना आपके मुंह से लगता है कि आपके घर में दूध आता है, ना आपकी गुफ्तगू से लगता है कि आपके कार अखबार आती है, ना आपके घर माली आता है क्योंकि माली आप खुद लगते हैं। माय गॉड, ये दो तीन दिन से हालत हुई ऐसी। अच्छा, अन्य वाकई पहले ताड़ी शक्ल मुअम्मर राणे नाल मिलदी सी। आपने जज्बात में आके जो कुछ कहा, अंदाजा है उसकी कितनी भारी कीमत आपको अदा करना पड़ी। सेनेट की सीट भी गई, मुस्लिम लीग की बुनियादी रुकनियत भी गई, अदालत का भी सामना करना पड़ेगा। ये तो तीन चार चीजा ने ना, जिथे उन्होंने कहा ना जी सेनेट की सीट भी गई, उथे फील होया कि ताडा बेड़ा गर्क हो गया। ताडे कोल कख नहीं रहा। अच्छा यार, वैसे ना मैं इस सारे वाकये में एक डायलमा भी देखता हूँ। ये हमारी जो मिडिल क्लास
पॉलिटिकल वर्कर है ना, उनको भी कितने सख्त हालात का सामना करना पड़ता है कि उनको अपनी लीडरशिप से वफादारी जाहिर करने के लिए, साबित करने के लिए हर हद से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो वफादार ठहरते हैं। जी तो शासक कंट्री से निकल आए ना, वो मिडिल क्लास भी बेचारे। लेकिन लेकिन तुम ये देखो कि नवाज शरीफ साहब ने, नून लीग की क्यादत ने जो फौरी तौर पे इस वाके में उन्होंने जो स्टेप्स उठाए हैं, अगर एक मिडिल क्लास की बजाय, निहाल हाशमी की बजाय अगर यही गलती चौधरी निसार साहब से हुई होती, ख्वाजा आसिफ से हुई होती, ख्वाजा साद रफीक से हुई होती, तो क्या नून लीग की क्यादत का यही रद्द अमल होता? तो बड़ा सवाल है। गल छड़ दियो ते बड़े लीडर ने, ते अल्लाह दा शुक्र करन इन्होंने सीधा काट दिता उन्हें। उन्होंने ये नहीं किया कि वजीर आजम मौस आके ते नुकर च कन्न फाड़ लवे और छोटी बरीक सोटी भी मंगा लेंदे वजीर साहब, कुट कुट के इन्हों लाल कर दे, चूंकि उंजे इन्होंने लाल होना नहीं। कराची से नून लीग के दो ही नगीने आए थे, एक निहाल हाशमी साहब और दूसरे सदर ममनून। उनको पता चल गया कि एक चुप सौ सुख, ये अपनी जुबान बंद नहीं रख सकते, कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो बेचारे बोले ही नहीं, जहां बैठे हैं। साहब मैंने जीआईटी को नहीं डिस्कस किया, मैंने तो घर के मामला डिस्कस किए। हाशमी साहब घर के मामला घर पर जाए नल डिस्कस कर देना, या मुंह नहीं लाते थे आक के मीडिया के आयो। बस सौ मजबूरी होती भाई घर की। हाशमी साहब आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, एंड यू विल हैव टू पे द प्राइस। झूठी है ये सारी नून लीग, मेरी गाड़ी को टक्कर झगड़ा साहब की गाड़ी ने मारी है और अब वो मुकर रहे हैं। झूठी नून लीग है, ड्रामा आप कर रहे हैं। बेड़िया किड़ा ड्रामा ला, एहो जी एक्टर फिल्म फ्लाप करांदा जी, एक सीन च सजे हाथ पट्टी बननी हुंदी है, दूजे सीन च खब्बे हाथ बननी। फिल्म देखने वाले कह देंगे ना भाई जी अपनी बात डिसाइड कर लो। ये लोग एक्टिंग करते हैं, हम लोग एक्टिंग नहीं करते। जिनेश साहब एक पट्टी मैंने भी मंगा दी। भाई मैं ठीक कह रही हूँ, झगड़ा साहब की गाड़ी ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी है। टक्कर मारी है? झगड़ा साहब ने गड्डी रखी है या सरगोधे का छतरा रखा है? इन हुक्मरानों की गाड़ियां टक्करे मारने वाले छतरे ही बने हुए हैं। वाह वाह वाह, क्या फजूल डायलॉग बोले। बहुत अच्छे। आप इस तरह किया करें, आप फोल्डिंग गाड़ी ले ले, जब आप असेंबली पहुंचे ना गड्डी फोल्ड करके अपने पर्स में रख ली, अजलास से वापस आके फिर गड्डी खोल के तो उसमें बैठ ले। चले लग गए गाड़ी, अब चाहती क्या है? भाई मैं कुछ नहीं चाहती, मैं इस वीआईपी कल्चर के खिलाफ आवाज उठाना चाहती हूँ। मेरा कोई मुतालबा नहीं है, मेरी कोई डिमांड नहीं है, बस मुझे 1700 रुपया दें ताकि मैं गाड़ी का डेंट निकलवाऊं। माशाल्लाह बाजी, जितनी आपकी सेहत, आप सलंसर में फूंक मारे तो गाड़ी के सारे डेंट निकल जाएंगे। मशवरा बच्चा अच्छा दे रहा है। वैसे 1700 रुपया पीछे कितने खज्जल होंगे फिर? एक्सक्यूज मी यार, मेरी भी तो बात सुने। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, वो खुदा के लिए माफ कर दे मुझे, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी नंबर प्लेट तोड़ गई।